नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सरुरई। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में एक बहुत बढ़िया एक डिवाइस के बारे में बताने जा रहे हैं। यह एक ऐसी डिवाइस है जिसके माध्यम से आप जो हमारे ओल्ड वूफर होते हैं, म्यूजिक सिस्टम जिसमें ब्लूटूथ का सिस्टम नहीं आया है, उनमें आप अटैच कर सकते हैं। यहाँ तक कि कलर टीवी में भी आप इसका अटैच कर सकते हैं और आप अपने मोबाइल के थ्रू बढ़िया से बढ़िया सॉन्ग सुन सकते हैं। तो डिवाइस को इस प्रकार है, इसमें मात्र गिने चुने 3 कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। पहला ये आप जो देख रहे हैं, ये पिन जो आप देख रहे हैं, ये स्टीरियो पिन है। जो स्टीरियो पिन में आपका एम्पलीफायर में लगाई जाती है, माइक वगैरह में लग के आती है। इधर वाले जो पिन आप देख रहे हैं, ये आपकी ऑडियो वीडियो वाली पिन है, ठीक है, जिसमें कलर टीवी वगैरह में लगाते हैं हम लोग। इसके अंदर आप देखें गौर से, एक माइक लगा हुआ है, यानी माइक कंडेंसर। तो मैं आपको बता दूं, मात्र इतनी सी एक डिवाइस है जिसके माध्यम से आप किसी भी ओल्ड म्यूजिक सिस्टम में जिसमें ब्लूटूथ ना हो उसमें आप अटैच कर दें और मोबाइल के थ्रू आप कहीं से दूर से भी बैठे बैठे गाना सुन सकते हैं, रिवर्स पास पर गाने को कर सकते हैं। तो ये छोटी सी डिवाइस आप इसे बना लें। इसे बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक ये वाली पिन लेनी है, एक स्टीरियो पिन लेने हैं। तो आप जानते हो या ना जानते हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, स्टीरियो पिन की ये जो बॉडी होती है ये निगेटिव होती है, ऊपर वाली पिन है ये सिग्नल पिन होती है। इसके अंदर जो पिन जाते हैं, दो कनेक्शन निकलते हैं, ये देखिए गौर से आप, दो कनेक्शन इसके अंदर है और दो कनेक्शन इसके अंदर होंगे। कभी भी आप ऑडियो वीडियो की लीड को काट के देखेंगे तो यहाँ पर जो पॉइंट लगा जाता है ऊपर वाली बॉडी में वो जाली वाला होता है, इसके अंदर बीच में जो लगा जाता है वो वायर वाला होता है। तो आपको क्या करना है, इस वाली बॉडी का कनेक्शन, इस वाली पिन की बॉडी का कनेक्शन, इस वाली पिन की बॉडी का कनेक्शन आपको एक वायर के साथ अटैच करना है। ये देखिए ग्रीन वायर लगा हुआ है, इसके अंदर वायर के साथ अटैच करना आपको। इसके बाद में बीच वाली पिन, यानी कि ये वाली पिन प्लस ये टोपी वाली पिन जो ऊपर देख रहे हैं टॉप पर, ये वाली पिन को आप एक साथ कनेक्ट करना है। इन दोनों के बीच में एक आपको माइक कंडेंसर लगा देना है, ये माइक कंडेंसर देख रहे हैं, माइक जो बोलने वाला माइक होता है, ये माइक कंडेंसर आपको लगा देना है। इतना सा आपको वर्क करना है। माइक कंडेंसर लगाने के लिए कभी भी गौर करें, माइक के अंदर एक पॉइंट बना रहता है, ये देखिए माइक के अंदर एक पॉइंट बना रहता है, गौर से देखें आप, तो वो जो पॉइंट रहता है वो आपका नेगेटिव का होता है। यानी कि माइक के ऊपर ये दो कनेक्शन जो होते हैं, ये कनेक्शन आपके एक नेगेटिव का होता है और एक पॉजिटिव का होता है। जब इसे मल्टीमीटर से नापेंगे आप तो इसमें डायोड की तरह बताएगा, जैसे डायोड बताता है, यानी एक साइड में ये रीडिंग देगा, एक साइड में नहीं देगा। यदि ये दोनों साइड में रीडिंग देता है तो ये मान लिया जाता है कि हमारा माइक कंडेंसर खराब होगा, ये वर्क नहीं करेगा। कभी भी किसी माइक को आप मल्टीमीटर के थ्रू नापेंगे तो डायोड की तरह इसकी मेजरमेंट होती है, डायोड की तरह इसकी कंटिन्यूटी मिलती है, एक साइड से बताता है और एक साइड से ये नहीं बताता है। तो आप एक माइक कंडेंसर इसमें लगा दें, ये देखिए आप लोग, ये हमने पिन बाहर निकाली है, ये आपकी बॉडी है, बॉडी का मतलब ये वाला सिरा, ठीक है, जो पिन में अंदर जाता है एम्पलीफायर में। बीच वाला पिन आपका ये देख रहे हैं, बीच वाला पिन है, तो हमने एक बीच वाले पिन से कनेक्शन लिया। और इधर जो पिन आप देख रहे हैं, ऑडियो वीडियो पिन है, जो इसके बीच वाले से जोड़ दिया, इसकी बॉडी और इसकी बॉडी के साथ एक बार जम्पर डाल दिया, तो दोनों में जम्पर लगे हुए हैं, दोनों साइड में ये जम्पर लगे हैं। दोनों जम्परों के बीच में हमने एक माइक कंडेंसर लगा दिया। माइक कंडेंसर का जो माइनस होगा वो आपका दोनों की बॉडी पर जाएगा, इसका जो प्लस होगा तो वो बीच वाली पिन के यहाँ से और ये यहाँ से सपोर्ट करेगा। तो आप लोग को बता दें, कभी भी आप ओल्ड सिस्टम म्यूजिक सिस्टम में आप देखें, ओल्ड जो म्यूजिक सिस्टम होते हैं उनमें क्या होता है, हम लोग मोबाइल के थ्रू ये वाली पिन लगाते हैं, मोबाइल टू बूफर ये वाली पिन लगाते हैं, सभी लोग जानते हैं, ये लगेगी आपकी मोबाइल में और ये आपकी बूफर में लगती है, तब हम कहीं जाके गाना सुन सकते हैं। दूसरी चीज़, कभी भी एम्पलीफायर के थ्रू आपको गाना सुनना होता है तो क्या करते हैं आप, ये मोबाइल में लगाते हैं ये वाली पिन और ये आपकी एम्पलीफायर में जाती है, तब हम आपके गाना सुन सकते हैं। तो ये सब दोनों लीडों का हमने झंझट ही खत्म कर दिया, दोनों लीड अब आपको नहीं लगाने पड़ेगी। अब आपको करना क्या है, गौर से समझें, इसकी प्रोसेस समझें, इसे कैसे यूज करना है। तो ये वाली जो देख रहे हैं आप, ये आपकी डिवाइस है। अब करना का कोई भी ब्लूटूथ की लीड आपके पास में हो, कोई भी ब्लूटूथ की लीड आपके पास में, जैसे ये ब्लूटूथ की लीड है,
इसको हम यहाँ से ऑन कर लेंगे, इसको हम यहाँ से ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद में जब ये ऑन हो जाए आपकी, ये मान लो आप कनेक्ट हो जाए, कुल मिला के इसको मोबाइल से कनेक्ट करना है ब्लूटूथ लीड को, जब ये कनेक्ट हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। इसका एक वाला हिस्सा कोई भी जैसा आप समझें, कोई भी एक स्पीकर, ये स्पीकर या ये स्पीकर, इस बॉडी के साथ में आपको, ये हमने जो डिवाइस बनाया इसके साथ में ऐसे आपको रखना है, सिर्फ रखना भर इसके अंदर, कोई भी कनेक्ट नहीं करना, ना इसके वायर काटना है, ना कट करना, ना इसको कनेक्ट करना, सोल्डरिंग करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ आप ब्लूटूथ लीड को ऑन कर लीजिए और अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट जब आपकी हो जाए, इसके बाद में आपको क्या करना है, ध्यान से आप देखें इस चीज़ को, आपको ऐसे इसको रखना है, सिर्फ ऐसे रखना है इसके अंदर, ठीक है। रखने के बाद में इसका आप कैप लगा दें ऊपर से, ये देखिए आप इसका कैप लगा दें। कैप लगाने के बाद में अब आपको क्या करना, ऐसे ही आप अपने एम्पलीफायर के पास इस लीड को रख दें, ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही रख दें। यदि आपको एम्पलीफायर के थ्रू कोई भी गाना सुनना है तो आप एम्पलीफायर में ये वाली लीड लगाएंगे जहाँ पर आपकी माइक की लीड लगती है, यानी ये वाली जो पिन है ये वहाँ पर लगेगी जहाँ आपकी एम्पलीफायर में आपकी माइक की वाली सॉकेट लगती है, उसको आपको यहाँ लगाना है। अब यदि आपको अपने टीवी में अपने मोबाइल के सॉन्ग को सुनना है तो आप देखें, ये वाली जो आप पिन देख रहे हैं, ये वाली आपकी ऑडियो इन में लगेगी। जो आपके घर में टेलीविजन हो, ओल्ड मोनिटर वाला हो, LCD हो, LED कुछ भी हो, जहाँ आपका लिखा हो ऑडियो इन, तो ऑडियो इन में ये वाली पिन आपकी लगेगी टीवी में। वीडियो कोई भी चल रही हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन वीडियो वाली जो रिसीवर से लीड आती है, वीडियो वाली वो लगी रहने देना आप। जब तक वीडियो कनेक्ट नहीं होगी तब तक आपका प्रोटेक्ट नहीं करेगा साउंड। तो रिसीवर से जो लीड आती हैं, दो पिन वाली स्काई की रिसीवर से जो लीड आती हैं, टाटा स्काई का हो, थ्री डिस्क का, कोई भी हो, ये दो पिन आती है रिसीवर से, एक इसमें ऑडियो की होती है और एक वीडियो की। तो आपको क्या करना है, वीडियो की आपको लगी रखना है और ऑडियो की यहाँ से निकाल देना रिसीवर से, ठीक है। तो ऑडियो की जो रिसीवर से आप निकालोगे तो आपको फिर कलर टीवी में, LCD में, LED में, किसी में भी आपको ये वाली पिन लगानी है। जब ये आपकी पिन लग जाए तो मोबाइल के थ्रू जो भी आप गाना, कोई भी म्यूजिक जो भी आपको सुनना, वो आप जब बजाएंगे तो जैसे ही आपका गाना चलेगा, गाना चलने के साथ में हल्की सी आवाज़, कभी भी आप देखें गौर से, किसी भी ब्लूटूथ लीड को आप कान के पास ऐसे रखेंगे, दूर से बिल्कुल अंदर ना करके दूर से रखेंगे तो आपको म्यूजिक सुनाई देगा। जब कान के पास बिल्कुल अंदर करेंगे थोड़ा तेज सुनाई देगा, लेकिन दूर पर ऐसे रखने से भी आपको आवाज़ सुनाई देगी। तो ये माइक क्या करता, इसको ऐसे जब इसको रखते हैं इस टाइप से, इसको माइक के पास में रख के कवर कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो क्या करता है माइक कि इसमें जो थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, ये जो थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ को हाई फाई वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देता है और एम्पलीफायर की पिन या सॉकेट के अंदर ये प्रोग्रामिंग आपकी पहुँचने लगती है और आपको आवाज़ सुनाई देगी। तो किसी भी आप ओल्ड म्यूजिक सिस्टम में जिसमें आपका ब्लूटूथ अटैच ना हो, क्योंकि लेटेस्ट जो वर्जन के आ रहे हैं इनमें सब में ब्लूटूथ है, लेकिन ओल्ड जो हमारे म्यूजिक सिस्टम है उनमें ब्लूटूथ नहीं है, ओल्ड मॉनिटर की जो TV है उनमें ब्लूटूथ नहीं है, तो आप किसी भी ओल्ड म्यूजिक सिस्टम या TV में आप अपने मोबाइल के थ्रू ब्लूटूथ लीड को, हेडफोन को लगाकर आप बड़े आराम से दूर बैठे अपने गाना सुन सकते हैं। ये डिवाइस आप बना लें, बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें सिर्फ 3 पार्ट्स मिलकर लगे हुए हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी इसे बनाने में। मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट स्तर, आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल पर बहुत सी बढ़िया यूनिक जानकारियां देता हूं। तो प्लीज़ यदि आपका दिल चाहे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। बेल आइकॉन एक ऐसा साधन होता है कि मैं जो भी वीडियो लेटेस्ट डालता हूं, अगर आपके मोबाइल में बेल आइकॉन ऑन है तो सर्वप्रथम वो आपको दिखाई देगी। नमस्कार।